सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ड्रीम इलेवन कितने साल से खेल रहे हो, तो इसका जवाब क्या होगा कि भाई मैं जो ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ, कोई बोलेगा 4 साल से खेल रहा हूँ, कोई बोलेगा भाई मैं यहाँ पर से 5 साल से खेल रहा हूँ, कोई बोलेगा 3 साल से खेल रहा हूँ, या कोई बोलेगा भाई 2 साल से खेल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं जो ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ वह 6 सालों से ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलूँ ये 6 साल में, गाइस 6 साल में मैं यहाँ पर से आपको बता देता हूँ, तकरीबन ये कह सकते हो कि मेरा जो 5 साल गया वह बर्बाद चला गया। कैसे गया बर्बाद, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, 5 साल बर्बाद होने का रीजन क्या है। लेकिन गाइस यदि आपको यहाँ पर से ये बोलूँ 8 से लेकर के 9 महीना के अंदर में मैं ड्रीम इलेवन से आज लाखों रुपया का विनिंग किया हूँ, लाखों रुपया कमाया हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यह 3 टिप्स के कारण आज ड्रीम इलेवन से मैं यहाँ पर से लाखों रुपया का अर्निंग किया, या आप बोलो करोड़ रुपया का अर्निंग किया हूँ। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई वह जो 3 टिप्स है वह 3 टिप्स क्या अप्लाई किया हूँ जिसके कारण मैं यहाँ पर से ड्रीम इलेवन से आज जो ड्रीम इलेवन खेल करके बोलो तो गाइस ड्रीम इलेवन खेल करके आज मैं ढेर सारा पैसा कमाया हूँ। सारा कुछ आपको यह वीडियो में बताऊंगा कि वह 3 लॉजिक क्या है, यदि आप यह 3 लॉजिक को अप्लाई कर लेते हो, या आप बोलो यह 3 टिप्स को अप्लाई कर लेते हो, तो शायद आप भी ड्रीम इलेवन से गाइस ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो को क्या करना कि सिर्फ और सिर्फ पूरा देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप समझ लेते हो, तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि भाई मैं ड्रीम इलेवन 5 साल से खेल रहा हूँ, या आप बोलोगे ये एहसास नहीं होगा कि 4 साल से खेल रहे हो। या 3 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा, इसे आप ड्रीम इलेवन के अंतर्गत यानी आप बोले ड्रीम इलेवन में इसे आप अप्लाई कर लेते हो तो शायद आप भी ड्रीम इलेवन से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूँ। उससे पहले जो भाई वीडियो को अभी तक के लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या कर देना है कि मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। साथ में सबसे पहले आप ये सोच रहे हो कि भाई आपने यहां पर से क्या करोड़ रुपया का विनिंग किया, ये आपका सवाल होगा, और मैं यहां पर से आपको बता देता हूं गाइस ये सवाल का यदि आप जवाब लेना चाहते हो तो ये सवाल का जवाब कहां पे मिलेगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर कैसे मिलेगा सारा कुछ अब आपको हम बता देता हूं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विनिंग प्रूफ भी देख सकते हो। साथ में गाइस आपको बता देता हूं जो मैं टीम लगाता हूं सेम वही टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका सबसे पहले जान लो, ये जो वीडियो देख रहे हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और नहीं तो क्या करना कि वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाना और भाई टॉप पर पिन कर दिया हूँ, कॉमेंट बॉक्स में जाओगे तो ऊपर में लिंक मिलेगा, सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करनी है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहां पर से क्या कि पूरा विनिंग प्रूफ देखने को मिल जाएगा, मैं एवरीडे का कितना कमाता हूं यानी एवरीडे का कितना विनिंग रहता है ड्रीम इलेवन में। साथ में गाइस आपको वहां पर से जो मैं टीम लगाता हूं सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सबसे पहले आप विनिंग प्रूफ देख लो, उसके बाद आप वीडियो को आकर के देख लेना, नहीं तो आपको क्या करना कि वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो देखने के बाद जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये 3 टिप्स में, पहला टिप्स जो मुझको पता लगा भाई टीम आ जाता है, उसके बाद विनिंग टीम कैसे बनाया जाता है, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएल के अगेंस्ट यानी ग्रैंड लीग के अगेंस्ट ड्रीम इलेवन में बोलो तो भाई कितना टीम क्रिएट करना चाहिए, 10 टीम क्रिएट करना चाहिए, 15 टीम क्रिएट करना चाहिए, या आपको 20 टीम क्रिएट करना चाहिए, ये भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टीम। देखो यहाँ पर से ये समझ जाते हो कि टीम का कॉम्बिनेशन, क्योंकि टीम बनाने का एक राज होना चाहिए, टीम आप कैसे बनाओगे, किस तरीका से टीम क्रिएट करोगे, वहीं पर से आपका क्या होता है कि भाई विनिंग टीम जो हुआ क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले हम पहला यहाँ पर से आ जाते हैं टीम आप कैसे बनाओगे, और टीम बनाने के बाद आपको विनिंग टीम तुरंत में क्रिएट हो जाएगा, सारा कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताते चलेंगे, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो गाइस देखो टीम क्या है कि सबसे पहले टीम 22 टीम मिलता है, मान लो यहाँ पर से 22 टीम नहीं यानी 11 प्लेयर्स तो इसे करोगे कैलकुलेट तो ये कितना हो गया 22 प्लेयर्स हो गया। 22 प्लेयर्स में से क्या करना है कि भाई मुझे अपने टीम में जो पिक करना है यानी मुझे जो अपने टीम में सिलेक्ट करना है 11 प्लेयर्स को अपने टीम में पिक करके जाना है, यानी आपको क्या करना है कि भाई 11 प्लेयर्स को टीम में पिक करके जाना है। ये 11 प्लेयर्स में से अब गाइस यहाँ पर से कैसा प्लेयर्स किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करके जाना है,
किस कंडीशन में कैप्टन एंड गाइस आपको क्या है कि यहाँ पर से कैप्टन एंड आपको वीसी बनाना है, क्योंकि कैप्टन एंड वीसी भी बहुत बड़ी चीज होती है। कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन भी आपको बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई पिक, यहाँ पर से टीम का कैसे पिक करके जाओ, कैसे आप टीम का सिलेक्शन करोगे, 11 टीम को मान के चलो 11 प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको एक टीम बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर से टीम बनाने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज या आप लोग आपके लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज आता वो सबसे पहले गाइस जाते हो थोड़ा आप पिच रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो देखो पिच रिपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, इसे आप समझ लेते हो पिच का रिपोर्ट क्या है। तो मान लेते पिच रिपोर्ट क्या हो सकता है, तो पिच का रिपोर्ट तीन कंडीशन में पिच का रिपोर्ट होता है, मैं आपको हर हमेशा बताते रहता हूँ, इसलिए बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारा कुछ मैं मैच प्रिडिक्शन का वीडियो भी लेकर के आता रहता हूँ, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत जाएगा और शायद आप उस वीडियो को देख करके पिच रिपोर्ट प्लेयर्स बैटल सारा कुछ मैं अपने चैनल पर लेकर के आते रहता हूं। तो फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखो पिच रिपोर्ट तीन कंडीशन है पिच का रिपोर्ट होता है, एक पिच का रिपोर्ट बॉलिंग होता है, प्लस यहां पर से मान लो पिच का रिपोर्ट जो होता है वह बैटिंग होता है, या मान लो पिच का रिपोर्ट जो होता है वह बैलेंसड होता है। मतलब आप बोलोगे तो ये जो पिच का रिपोर्ट आता है तीन कंडीशन में क्या होता है कि भाई पिच का रिपोर्ट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर से आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए आज का पिच में मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको देखो यह मुझे तीन टिप्स पता लगा, वही आपको पहला टिप्स बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो भाई ये मत बोलना कि भाई तीन टिप्स पता लगा आप मुझे समझा रहे हो, तो भाई मुझे जो पता लगा वह आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को फ्लो कर सकते हो, ताकि आप भी ड्रीम इलेवन में क्या कर सकते हो कि पैसा कमा सकते हो यानी पैसा जीत सकते हो। तो बॉलिंग प्लस बैटिंग प्लस यहाँ पर से क्या कि बैलेंसड है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि भाई यहाँ पर से पिच मान लेते हैं बॉलिंग पिच है, तो बॉलिंग के कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लो आज का पिच बॉलिंग पिच है, इस पिच पर क्या कि बॉलर्स को बड़े आसानी तरीके से मदद मिलता है, जो भी बॉलर्स आएगा वह विकेट निकाल करके जाएगा, क्योंकि भाई पिच जो हुआ बॉलिंग पिच है एवरेज स्कोर भी कम देखने को मिलेगा। जहीं मान लो T20 का मुकाबला है बॉलिंग पिच होगा तो 120 या आप बोलो 130 या आप बोल सकते हो 125 पिच का जो हुआ एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहां पर से पिच जो बॉलिंग पिच है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या कि भाई 11 टीम को सिलेक्ट करने से पहले मुझे मिलता है एक यहां पर से विकेट कीपर, मान लो यहां पर से ये विकेट कीपर हो गया, फिर यहां पर से बैटिंग अगेंस्ट से प्लेयर्स आता, फिर यहां पर से देखते हो तो गाइस क्या कि ऑलराउंडर्स अगेंस्ट से प्लेयर्स आता, फिर यहां पर से मान लो कि आपको लास्ट में जो बता रहा हूँ लास्ट में यहाँ पर से क्या कि भाई बॉलिंग से प्लेयर्स आता है। ये चार फॉर्मेट से मुझे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, ये चार फॉर्मेट से सिलेक्ट करके 11 प्लेयर्स मुझे अपने टीम में पिक करके जाना। थोड़ी देर के लिए मैं आ जाता हूँ कि पिच बॉलिंग पिच में आपको बता देता हूँ विकेट कीपर से कितने प्लेयर्स को होना चाहिए, बैटिंग से कितने प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में पिक करके जाना है, ऑलराउंडर से कितने प्लेयर्स को होना चाहिए, साथ में बॉलिंग से कितने प्लेयर्स को होना चाहिए। तो पहले जो मैं ये गलती करता था कि भाई मैं परसेंटेज के हिसाब से क्या कर रहा था कि मान लो परसेंटेज के हिसाब से 95% 80% या आप बोलो यहाँ पर से 70% वाले प्लेयर्स को मैं अपने टीम में इसी प्लेयर्स को जो हुआ सिलेक्ट करके जाया करता था। तो मान लो यहाँ पर से वैसे प्लेयर्स को मैं अपने टीम में सिलेक्ट करता था और मुझे भी एहसास होता था कि भाई आज का जो टीम है वह काफ़ी अच्छा खासा टीम क्रिएट किया हूँ, आज इस टीम से शायद मैं लाखों रुपया या करोड़ रुपया का विनिंग कर सकता हूँ। लेकिन गाइस जब मैच स्टार्ट होता था उसके बाद यहाँ पर से ये होता था कि भाई मेरे यहाँ पर से पता लगता था चार से जो वह पाँच टीम फ्लॉप हो गया, मतलब चार से पाँच टीम भाई कुछ करके नहीं गया, तो जीएल कैसे विनिंग करेंगे, ग्रैंड लीग कैसे विनिंग करेंगे। उसके बाद गाइस पिच रिपोर्ट मुझे पता चला, पिच रिपोर्ट के अगेंस्ट में आया तब विकेट कीपर जो जेन्युइन विकेट कीपर सिलेक्ट करने का तरीका होता है ये मैं आपको बता देता हूं। पिच बॉलिंग पिच हो तो इस कंडीशन में एक विकेट कीपर लेकर के जाना, क्योंकि पिच बॉलिंग पिच है। बैटिंग से क्या करोगे, तीन से चार प्लेयर्स को क्या करना कि बैटिंग से सिलेक्ट करके जाना। आप ये मत सोचना कि भाई यहां पर से मान लो विकेट कीपर में क्या 95% लोग ये विकेट कीपर अगेंस्ट आ जाता है, मान लेते हैं विकेट कीपर का प्लेयर 95% वाले प्लेयर्स को क्या कर रहा है कि सभी लोग सिलेक्ट कराइए, दो विकेट कीपर है मान लो यहां पर से 95 और 80%। तो आप सोचोगे कि भाई ये जो दोनों प्लेयर्स है काफी ज्यादा मोस्ट पिक प्लेयर्स है और आज का पिच जो वो बॉलिंग पिच है, तो आप इस कंडीशन में दो विकेट कीपर लेकर के जाते हो जिसके कारण आप जो वो टीम का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं बना पाते हो, आप टीम नहीं क्रिएट कर पाते हो। तो पिच यहां पर से बॉलिंग पिच है तो इस कंडीशन में एक ही विकेट कीपर होना चाहिए, बैटिंग से तीन से चार प्लेयर्स लेकर के जाओगे, ऑलराउंडर से दो प्लेयर्स होना चाहिए। अब यहां पर समझना, क्योंकि इसे आप समझ लेते हो तो भाई शायद आप ड्रीम इलेवन से लाखों या करोड़ रुपया का विनिंग कर सकते हो। भाई ये नहीं कि ड्रीम इलेवन में पैसा नहीं, आप लॉजिक लगाते हो, माइंड लगाते हो तो भाई पैसा कमाते हो, यहाँ पर से ऐसा नहीं दो दो करोड़ रुपया मेरे और आपके जैसा ही इंसान जीतता है। तो कहीं ना कहीं वो माइंड लगाता, कहीं ना कहीं स्किल लगा करके टीम जो वो क्रिएट करता ताकि वह हैशटैग एक रैंक प्राप्त करता और एक रैंक प्राप्त करके वह दो करोड़ रुपया का विनिंग करता।
ऑलराउंडर अगेंस्ट कितना प्लेयर्स हो गया, दो प्लेयर्स हो गया। बॉलिंग अगेंस्ट में अब आ जाते हैं, तो बॉलिंग अगेंस्ट में गाइस तीन से जो सॉरी गाइस यहाँ पर से चार से जो पांच प्लेयर्स होना चाहिए, चार से जो पांच प्लेयर्स होना चाहिए वह बॉलिंग अगेंस्ट से चार से पांच प्लेयर्स होना चाहिए। क्यों और किस रीजन से, क्योंकि पिच बॉलिंग पिच है और इस पिच पर क्या कि बॉलर्स को मदद मिलेगा, यानी जो भी बॉलर्स आएगा वह भाई विकेट निकाल करके जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना कि पिच बॉलिंग पिच हो तो बॉलर्स को कोशिश करना कि ज्यादा बॉलर्स होना चाहिए। अब इसमें कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी का कभी भी सिलेक्ट करना, यानी मैं यहाँ पर से जो सिलेक्ट करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जो जैसे विनिंग करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर से क्या है कि मैं ये करता हूँ कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का कभी भी सिलेक्ट करता हूं तो बॉलिंग से मैं अपने टीम में सी एंड बी सी जो वो पिक करके जाता हूं। बॉलिंग से मैं अपने टीम में क्या करता हूं कि सी एंड गाइस अपने टीम के लिए जो वो बी सी बना करके जाता हूं। सबसे पहले मान लो यहां पर से एक्स वन और साथ में यहां पर से एक्स वन वर्सेज मान लेते हैं एक्स टू टीम के बीच मुकाबला होने जा रहा है, ये मान लेते हैं एक्स वन टीम है और ये एक्स टू टीम है। तो जिस टीम ने सबसे पहले टॉस जीता होगा तो वह टीम क्या चाहेगा कि बॉलिंग करेगा, क्योंकि पिच जो वह बॉलिंग पिच है, यानी इस पिच पर बॉलर्स को बड़ी आसानी तरीके से मदद मिलता है। तो मान लो यहां पर से X2 टीम ने सबसे पहले जो टॉस जीता तो उसी के अगेंस्ट से आपको क्या कर देना कि कैप्टन बना देना है, उसके बाद X1 सबसे उसके बाद बैटिंग करेगा, बैटिंग करने के बाद बॉलिंग करने आएगा, उसके दर से आपको क्या करना है अपने टीम में जो वीसी बना करके जाना है। अब हम आ जाते पिच बैटिंग पिच हो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यानी बैटिंग पिच है इस पिच पर जो भी बैटर्स आता है वह रन बना करके जाता है, विकेट नहीं रन बना करके जाता है, यानी क्योंकि पिच बैटिंग पिच है, टी20 का मुकाबला बैटिंग पिच होगा तो पिच का एवरेज स्कोर कितना होगा, तो पिच का एवरेज स्कोर कहीं ना कहीं आपका हुआ 180 या मान लो यहाँ पर से 190, यानी आप कह सकते हो 170 से ऊपर जो जाता उस पिच को क्या कहते हैं हम सभी लोग बैटिंग पिच कहते हैं। इस कंडीशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पिच बैटिंग पिच हो तो विकेट कीपर आप क्या कर सकते हो दो लेकर के जा सकते हो। पिच बैटिंग हो मान लो यहाँ पर से 95% या अब लो 80% वाले प्लेयर्स आप सिलेक्ट करके जा सकते हो दोनों विकेट कीपर में आता है, तो पिच बैटिंग पिच है उस कंडीशन में। बैटिंग ऐसे कितने प्लेयर्स करोगे, चार से पांच प्लेयर्स जो होना चाहिए वह बैटिंग ऐसे होना चाहिए। यदि आप एक विकेट कीपर लेकर के जाते हो तो पांच प्लेयर्स जो हुआ बैटिंग अगेंस्ट में पिक करके जा सकते हो। ऑलराउंडर्स दो प्लेयर्स होना चाहिए, बॉलिंग अगेंस्ट तीन ही प्लेयर्स होना चाहिए, क्योंकि पिच बैटिंग पिच है। तो इस कंडीशन में आपको बैटिंग अगेंस्ट जो प्लेयर्स होना चाहिए काफी ज्यादा प्लेयर्स होना चाहिए, यानी काफी अधिक प्लेयर्स होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। तो गाइस कभी भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो बैटिंग अगेंस्ट या आप चाहे विकेट कीपर तक क्या कर सकते हो कि आप अपने टीम के लिए सी एंड बी सी जो पिक करके जा सकते हो, यानी आप अपने टीम के लिए सेलेक्ट करके जा सकते हो। अब यहाँ पर से देखो तो यहाँ पर से बैटिंग पिच है, तो इस कंडीशन में इसे आप चाहते हो लिखना तो कहीं पर लिख भी सकते हो, क्योंकि गाइस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉजिकल बात बता रहा हूँ। शायद आप बोलोगे तो आपको ऐसा वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि भाई मैं आपको ये नहीं बोला वैसे करो वैसे करो, भाई कोई कुछ बोलेगा तो आपको कहीं ना कहीं 11 प्लेयर्स ही सिलेक्ट करना होगा, एक टीम ही बनाना होगा, एक टीम सेलेक्ट करके उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन ही बनाना होगा। तो भाई जो डायरेक्टली बात है, जो पॉइंट की बात है, वह पॉइंट आपको बता रहा हूँ, शायद आप इसे समझ लेते हो। जो वीडियो को पूरा देखेगा भाई सभी लोग समझेगा और सभी लोग पैसा कमा सकता है, 95% मैं आपको कह सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर से पिच बैटिंग पिच उस कंडीशन में आप कैसे टीम का कॉम्बिनेशन बनाओगे, कैसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करोगे, तो मैं अब आपको यहां पर से ये बता दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं यहां पर से। तो गाइस मान लेते हैं आज का जो पिच होने वाला वो पिच क्या बैलेंस्ड पिच होने वाला, तो बैलेंस्ड के अगेंस्ट में जाओगे या अब लोग बैलेंस्ड के केस में जाओगे तो कहीं ना कहीं कहोगे कि भाई बैलेंस्ड है तो इस पिच पर यदि 50% बॉलिंग को मदद मिलता, बहुत सारा लोगों को नहीं पता कि बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो मान लो बैलेंस्ड के मतलब यहाँ पर से बैलेंस्ड के केस में आपको 50% यदि 50% बॉलिंग को मदद मिलता है तो गाइस यहाँ पर से 50% जो मदद मिलेगा वह बैटिंग को भी मदद मिलेगा, 50% जो मदद मिलेगा हुआ बैटिंग को भी मदद मिलेगा, उसी को हम सभी लोग पिच को क्या कहते हैं कि बैलेंस्ड पिच कहते हैं। अब यहां पर से हम आ जाते हैं पिच बैलेंस्ड है तो उस कंडीशन में आपको कितने प्लेयर्स अपने टीम में पिक करके जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसे फटाफट से मिटा देता हूं। तो विकेट कीपर से प्लेयर्स जो होना चाहिए वो विकेट कीपर से एक प्लेयर्स होना चाहिए, कितना प्लेयर्स, एक प्लेयर्स विकेट कीपर से होना चाहिए। बैटिंग एज से तो गाइस आप चाहो देखो यहां पर से ये विकेट कीपर से भी दो प्लेयर्स कर सकते हो क्योंकि बैलेंस्ड पिच है। इसमें देखते हैं बैटिंग एज से क्या कर सकते हो, चार से पांच प्लेयर्स भी लेकर के जा
जा सकते हो या तीन प्लेयर्स भी लेकर के जा सकते हो, लेकिन ऑलराउंडर से जो ऑलराउंडर सेक्शन से जो प्लेयर्स होना चाहिए वो अधिक प्लेयर्स होना चाहिए। ऑलराउंडर्स में आप क्या करोगे कि गाइस यहाँ पर से तीन से चार प्लेयर्स जो लेकर के जाना ऑलराउंडर से अगेंस्ट लेकर के जाना, क्योंकि पिच बैलेंसड पिच है और हम सभी को पता है कि भाई ऑलराउंडर्स के पास दो मौका होता है, एक बॉलिंग प्लस यहाँ पर से एक बॉलिंग प्लस आप कर दो यहाँ पर से एक बैटिंग से मौका होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग पिच को क्या कहते हैं कि पिच का बैलेंसड पिच होने वाला। तो तीन से चार प्लेयर्स जो लेकर के जाओगे ऑलराउंडर से अगेंस्ट बॉलिंग से तीन ही प्लेयर्स होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी का कैसे सिलेक्शन करना है, यानी आप अपनी टीम के लिए क्या करोगे कि भाई सी एंड बी सी कैसे पिक करके जाओगे, यानी आप अपनी टीम के लिए सी एंड बी सी कैसे सिलेक्ट करके जाओगे। तो देखो कभी भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो ऑलराउंडर से अगेंस्ट ही क्या करना कि आपको अपनी टीम के लिए सी एंड आप अपनी टीम के लिए क्या करोगे कि बी सी बना करके जाओगे, क्योंकि पिच बैलेंसड पिच है और हम सभी को पता है कि भाई ऑलराउंडर्स के पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि दो मौका रहता है, एक बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो देखो टीम बनाने का तरीका यही जमीन तरीका जो मैं आपको टिप्स बोले तो पहला टिप्स मैं आपको बताऊँ जो मुझे पता चला, तीन टिप्स में एक टिप्स आपको बता दिया हूँ। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर से विनिंग टीम। विनिंग टीम बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप सोचते हो भाई जीएल खेलते हो ग्रैंड लीग खेलते हो तो ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना होगा। तो भाई जीएल बोलो यानी ग्रैंड लीग बोलेंगे तो जीएल कितना परसेंटेज लोग जीएल विनिंग करता है, तो गाइस मैं आपसे कह सकता हूँ कि ग्रैंड लीग जो विनिंग करता है ओनली कितना परसेंटेज, तो 5% या आप कह सकते हो 8% लोग क्या करता है कि ग्रैंड लीग विनिंग करता है यानी जीएल विनिंग करता। तो देखो विनिंग टीम आप चाहते हो बनाने सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर से जो मैं आपको बताया इसी में आपको विनिंग टीम क्रिएट हो जाता है, लेकिन विनिंग टीम बनाने के अगेंस्ट आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। जब तक कि आप रिस्क नहीं लोगे तो भाई ग्रैंड लीग या विनिंग का चांसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है कि कंपटीशन ढेर सारा कंपटीशन है। जीएल खेलते हो ग्रैंड लीग में यदि मान लो 1 करोड़ रुपया आपको प्रोवाइड किया जाता है या मान लो आपको 80 लाख रुपया हैशटैग एक रैंक पर दिया जाता है तो इसमें आपका कंपटीशन कितना होता है भाई यहाँ पर से बोलो 80 लाख या आप बोलो 90 लाख लोगों के साथ खेलना होता है। इसमें आपको चाहते जीएल विनिंग करना तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे 80 लाख 90 लाख लोगों में 5 से लेकर के 8% लोग जीएल विनिंग करता है, बाकी जो यहाँ पर से बोलो 92% लोग जो वह ग्रैंड लीग नहीं विनिंग करता यानी ग्रैंड लीग को जो 92% लोग फ्लॉप करके जाता। अब देखो यहाँ पर से ये हो गया, इसमें आप मान लो सबसे पहले एवरेज प्लेयर्स के अगेंस्ट आ जाते हैं। विनिंग टीम बनाने के लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, देखो थोड़ा आप रिक्स लेते हो तो तभी जाकर के आपका विनिंग टीम क्रिएट होता है। एवरेज प्लेयर्स हो गया, फिर यहाँ पर से हम देखते हैं रिक्सी प्लेयर्स हो गया, फिर गाइस यहाँ पर से सेफ प्लेयर्स के अगेंस्ट आ जाते हैं। सेफ प्लेयर्स आपको कितना होना चाहिए, 11 प्लेयर्स आप विनिंग टीम के अगेंस्ट जाते हो क्रिएट करना तो कर सकते हो। तो देखो एवरेज प्लेयर्स जो वह लेकर के चलना कितना, तो एवरेज प्लेयर्स ज़्यादा नहीं 3 जो प्लेयर्स होना चाहिए वह एवरेज प्लेयर्स होना चाहिए। रिक्सी प्लेयर्स तो गाइस 5 से 6 जो प्लेयर्स होना चाहिए वह रिक्सी प्लेयर्स होना चाहिए। उसके बाद सेफ प्लेयर्स के अगेंस्ट में आओ तो सेफ प्लेयर्स चाहते तो सेफ प्लेयर्स आप क्या करोगे 3 प्लेयर्स जो लेकर के जाना वह सेफ प्लेयर्स लेकर के जाना। तो इसमें आपका क्या कि कंपटीशन कम होता, कंपटीशन कम होगा तो भाई आपका क्या हुआ कि टीम का रैंक ऊपर जाएगा, क्योंकि एवरेज प्लेयर्स में ज्यादा लिया हूं, एवरेज प्लेयर्स भी ज्यादा नहीं लिया हूं। सबसे पहले 3 और 3 6 और 5 यहां पर से रिक्सी प्लेयर्स लेकर के जाते हो तो देखो ये जो 5 प्लेयर्स यही 5 प्लेयर्स आपको जो हुआ पैसा जिताएगा यानी ग्रैंड लीग जिताएगा। और ये 5 प्लेयर्स में से रिक्सी प्लेयर्स में आपको बता देता हूँ जिस दिन आप 5 सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर से आपका जो 2 प्लेयर्स होगा भाई वह काफ़ी ज़्यादा रिक्सी होगा। कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो मान के चलो 90% या आप बोलो 95% लोग इस प्लेयर्स को आप मतलब टीम में सेलेक्ट करके नहीं जाता। भाई मैच जो होता है वह अनिश्चितताओं का खेल होता है, इस प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करके नहीं गया यानी अपनी टीम में जो है सेलेक्ट करके नहीं गया और मान लो आपने यह प्लेयर्स को क्या किया कि आप अपने टीम में पिक करके जा रहे हो सेलेक्ट करके जा रहे हो तो मैच अनिश्चितताओं का खेल हो सकता है। भाई यही प्लेयर्स का आज रिसेंट में फॉर्म वापस आ जाए, इस प्लेयर्स के ही बल्ले से काफी ज्यादा रन देखने को मिला हो सकता है, मैच होता हुआ मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी अनिश्चितताओं का खेल होता। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर से गाइस जीएल के लिए कितना टीम क्रिएट करना चाहिए यानी ग्रैंड लीग के लिए आप कितना टीम क्रिएट करोगे तब जाकर के आप क्या करोगे कि जीएल को विनिंग कर सकते हो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप 20 टीम क्रिएट करो या आप 15 टीम क्रिएट करो या आप 10 टीम क्रिएट करो, जीएल के लिए ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या करना है भाई 4 से 5 टीम जो क्रिएट करना है ओनली जीएल के लिए,
कितना टीम, 4 से 5 टीम क्रिएट करोगे। देखो 10 टीम बनाते हो, 20 टीम बनाते हो, तो इसमें आपका जो हुआ माइंड बोले तो आपका माइंड मान के चलो आपने क्या किया कि 20 टीम बनाए हो, आपका माइंड जो हुआ सही तरीके से काम नहीं करेगा। जब लाइनअप आता तब ये होता लाइनअप के वक्त कि भाई आप सोचते इस किस प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में लूँ, किस प्लेयर्स को मैं अपनी टीम से ड्रॉप करूँ, किसे कैप्टन बनाऊँ, किसे वाइस कैप्टन बनाऊँ, किसे ड्रॉप करना, किसे लेकर के चलना। मान के चलो किसी प्लेयर्स को आप ड्रॉप करते हो, कोई प्लेयर्स को लेकर के जाते हो, जिस प्लेयर्स को आपने ड्रॉप किया वह प्लेयर्स काफी अच्छा खासा करके जाता है, और जिस प्लेयर्स को आप लेकर के जाते हो वह प्लेयर्स कुछ खास नहीं करके जाता। लेकिन इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ओनली 4 से 5 टीम बनाना है, और 4 से 5 टीम के ऊपर आपको लाइनअप आता 30 मिनट का टाइम होता है। मान के चलो यहाँ पर से 30 नहीं मान लेते, यहाँ पर से 20 मिनट का टाइम होता है, तो भाई 20 मिनट में आप 5 टीम में आप थोड़ा यहाँ पर से माइंड लगा देते हो, थोड़ा आप लॉजिक लगा देते हो, तो आपका जो टीम क्रिएट होगा वह सबसे अलग टीम क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जो क्रिएट होगा सबसे अलग टीम होगा। अब आ जाते हैं इसमें थोड़ा कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, या आपको बोलूँ तो टीम जो बनाते हो, तो देखो टीम क्या करना, सेम टीम गाइस 5 टीम क्रिएट करते हो तो सेम जो टीम आपको बनाना, सेम टीम कितना बनाना, तो सेम जो टीम बनाना वह 2 टीम जो आपका होना चाहिए वह सेम टीम होना चाहिए, और दोनों टीम में क्या 2 से 3 टीम क्या कर सकते हो कि सेम टीम बनाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पर से 3 टीम जो अब मुझे बच जाता है, मान के चलो 5 टीम क्रिएट किया, 3 टीम में आप क्या करोगे, डिफरेंट प्लेयर्स को लेकर के जाना, अलग अलग प्लेयर्स को लेकर के जाना, रिक्सी प्लेयर्स को भी लेकर के जाना, और इस 3 टीम में क्या करोगे, अलग अलग टीम में क्या करोगे कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक करके जाओगे। जैसे मान के चलो आज कैप्टन आपने हार्दिक पांड्या को बनाया एक टीम में, दूसरे टीम में क्या करोगे रोहित शर्मा को बनाओगे, तीसरे टीम में क्या करोगे कि उमेश यादव को पिक करके जा सकते हो। इसी प्रकार से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो डिफरेंट करके बना सकते हो, 5 टीम आपको क्रिएट करना, और ये 5 टीम आपको जीएल जो हुआ विनिंग करा सकता है। देखो यही 3 टिप्स मैं आपको बता दिया, जो भाई वीडियो को पूरा देखा हुआ तकरीबन यह जो वीडियो हुआ होगा 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, इसे आप समझ लेते हो, इसे आप फ्लो कर लेते हो, तो भाई आपका विनिंग का चांसेस वो काफी ज्यादा अलग होगा। और साथ में आपको बता देता हूं, देखो आप फ्रेंड सर्किल में टीम मत क्रिएट करना, टीम कभी भी क्रिएट करना तो भाई आप अपने माइंड से क्रिएट करना, आपका जो मन करे आप अपने अनुसार करना, बट आप ये लॉजिक को अप्लाई कर लेते हो तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 95% वो जीएल विनिंग कर सकते हो, यानी ग्रैंड लीग विनिंग कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को क्या कर देना कि एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम सभी लोग।